तो सबसे पहले आपको लिए चलते हैं बर्फ की अनूठी दुनिया में, जहां इस वक्त सफेद खूबसूरती के सिवाय कुछ भी नजर नहीं आ रहा। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक बर्फबारी ने फरवरी में जनवरी की कसर पूरी कर दी। कश्मीर की वादियां ताजा बर्फबारी के बाद सफेदी से ढक गई। सड़क से लेकर ट्रेन की पटरियों तक केवल और केवल बर्फ ही बर्फ है। वादी में बरसी बर्फ के बीच आज से खेलों का कुंभ भी गुलमर्ग में शुरू हो रहा है। पेंगोंग झील का जमा पानी भी इस वक्त खेल के शौकीनों के लिए स्वर्ग बना है। यहां मैराथन में हिस्सा लेने के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। शोपिया से लेकर श्रीनगर तक बर्फ का दिलकश नजारा देखते ही बन रहा है। तो चलिए एक एक करके आपको बर्फ में जिंदगी की जिंदा दिली की वो सात तस्वीरें दिखा देते हैं। देखिए पहली तस्वीर उस बारात की है जो बर्फबारी में फंस गई और दुल्हन बारात का इंतजार लगातार कर रही थी, मगर दूल्हा जो है बर्फबारी में इस कदर फंस गया था कि उसका वहां पहुंचना संभव नहीं नजर आ रहा था। तभी सीआरपीएफ के जवान जो है वहां पर, उनकी नजर बर्फ में फंसे दूल्हे पर पड़ती है और उसके बाद जवानों ने दूल्हे को तसल्ली दी और वायदा किया कि हर हाल में वो दूल्हे को उसकी मंजिल तक पहुंचा कर रहेंगे। फिर क्या था, मिशन विवाह शुरू हो गया और दूल्हा जो है सीआरपीएफ के बख्तरबंद गाड़ी से दुल्हन तक पहुंच ही गया। एक तरफ बर्फबारी में फंसे दूल्हे के लिए सेना के जवान देवदूत बने, तो दूसरी ओर उन लोगों के लिए संकट मोचक बने जिनकी गाड़ियां बर्फबारी में फंस गईं। सेना के जवान उन गाड़ियों में धक्का मुक्की करते हुए नजर आए, साथ ही साथ बर्फ से उन्हें निकाला भी गया। एक एक करके लोगों का की गाड़ियों को निकाला गया। यही नहीं, आगे का रास्ता कैसा है और लोगों को क्या एहतियात बरतनी है, इसके बारे में भी आर्मी के जवान ने लोगों को जानकारी दी। जम्मू कश्मीर में सैलानी सिर्फ घूमने के लिए नहीं आते बल्कि बर्फीली चोटियों पर रोमांचक खेलों का मजा लेने के लिए भी लगातार पहुंच रहे हैं। वहां के मशहूर हिल स्टेशन सोनमर्ग में राष्ट्रीय स्नो शू चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बर्फीली पहाड़ियों पर खेल का रोमांच अलग ही नजर आता है। इस समय युवा जो है वहां पर बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए आपको नजर आएंगे। वहीं इस बर्फीली वादियों में घूमने आ रहे सैलानियों की सुरक्षा के लिए जवान भी जुटे हुए हैं। आमतौर पर जवान सोनमर्ग में बर्फीली चोटियों पर गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर बर्फ हटाने के काम में भी जुटे हैं, तो कभी वहां विकास के काम में जुटे मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए ऐसी बर्फ के बीच शानदार तस्वीर जो है रामबन जिले से निकल कर आई। वहां स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन देखते ही देखते बर्फीली सफेद चादर से ढक गई। इतना ही नहीं, पटरियां तो दिखनी ही बंद हो चुकी थी। ऐसा ही हाल जो है स्टेशन पर लगे गमलों और रेलिंग को भी देखने को मिला। बर्फबारी इतनी जबरदस्त है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा। ना कि सिर्फ पटरी की अगर हम बात करें बल्कि ट्रेन भी पूरी तरीके से सफेदी में ढक चुकी है और श्वेत श्रृंगार जो है वो लगातार जा रही है। अब आपको बर्फ के बीच मैराथन की शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे भी एक दौड़ प्रतियोगिता हुई, जिसमें सात देशों के करीब 120 रनर ने हिस्सा लिया। इस मैराथन का नाम है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। से
से गुलमर्ग में वहीं देख लीजिए, दूसरी तरफ वहीं गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हो चुका है, जिसमें युवा बर्फ के बीच अपना हुनर दिखाने के लिए पहुंच रहे हैं। बर्फ के मैदान पर होने वाले इन रोमांचक मुकाबलों के गवाह वहां पहुंचे जो सैलानी हैं वो भी लगातार बन रहे हैं। कोशिश ज़ाहिर तौर पर यही है कि जम्मू कश्मीर में इस प्रकार के स्पोर्ट्स होते रहें जिससे युवाओं को एक मौका भी मिलता है और अपना टैलेंट दिखाने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। चलिए अब बात कर लेते हैं कश्मीर की। इन दिनों जबरदस्त बर्फबारी की चपेट में है कश्मीर। सैलानियों के लिए यह बर्फबारी मुंह मांगी मुराद है, तो वहां काम में जुटे लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी। लेकिन सेना के जवान मुश्किल में फंसे लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, फिर वो चाहे सैलानी हो या फिर कश्मीर में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जुड़े कर्मचारी। वहां हिमवीर यानी कि सेना के जवान सबकी राह आसान बना रहे हैं। बर्फ से पूरी तरह ढक चुकी सड़कों पर सैलानियों के लिए राह बनाते ये हैं हिमवीर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भीषण बर्फबारी की वजह से हालात चुनौतीपूर्ण हैं। राह मुश्किलों से भरी हुई हैं, लेकिन सेना के ये जवान बर्फ की मोटी चादर को चीरकर लोगों के लिए रास्ता बनाने में जुटे हैं। बर्फ जो है सड़कों पर जमा हो गई है और बाकी इलाकों की बात करें तो वहां पर 3 से 4 फुट बर्फ भी कई जगहों पर जो है वो रिकॉर्ड की गई है। सोनमर्ग जो कि एक पर्यटन स्थल है वहां पर 5 फुट के आसपास बर्फबारी हुई है, जबकि गुलमर्ग में 3 फुट के करीब बर्फ सड़कों पर जमा है। आमतौर पर ये जवान सोनमर्ग में बर्फीली चोटियों पर गश्त करते नजर आते हैं, मगर जरूरत पड़ने पर बर्फ हटाने के काम में भी जुट जाते हैं। ऐसे में इन दिनों वो कभी बर्फबारी के बीच फंसी गाड़ियों को धक्का लगाकर सुरक्षित जगह पहुंचाते नजर आते हैं, तो कभी वहां विकास के काम में जुटे मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाते दिख जाते हैं। स्नोफॉल तो तकरीबन 3 दिन से हो रहा है, लगातार चालू है, तो हमारे ये फौजी जवान है जो हमारी यहाँ मदद कर रहे हैं, हमारी गाड़ियों को यहाँ से निकाल रहे हैं। इंडियन आर्मी का काफी शुक्रगुजार है, बहुत ही शुक्रगुजार है, जो हमेशा हमेशा इन दिनों में हमारा काफी हेल्प करती है। इसी तरह त्राल में सीआरपीएफ जवानों ने बर्फबारी के बाद एक दूल्हे को सुरक्षित दुल्हन के घर तक पहुँचाया। अमूमन शादी में फूलों से सजी कार में दूल्हा सवार होता है, लेकिन वहाँ बर्फबारी के बाद ये दूल्हा बर्फ से ढकी सुरक्षा बल की बख्तरबंद गाड़ी से रवाना हुआ। पहला दूल्हा होगा जो सीआरपीएफ ने यहाँ रेस्क्यू करके बड़ी मुश्किल से इनको हमारी गाड़ी में ले जाके इनका शादी शांतिपूर्वक और सेफ्टी से हम सफलतापूर्वक इसकी शादी करवाएंगे। ऐसी ही तस्वीर रामबन जिले से भी सामने आई। वहाँ स्टेशन पर खड़ी एक ट्रेन देखते ही देखते बर्फीली सफेद चादर से ढक गई। इतना ही नहीं, पटरियां तो दिखनी तक बंद हो गई। ऐसा ही हाल स्टेशन पर लगे गमलों और रेलिंग का भी दिखा। जाहिर है बर्फबारी ने धरती की सुंदरता को तो बढ़ाया ही, साथ ही सैलानियों को भी खुश कर दिया। श्रीनगर से अशरफ वानी, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, कश्मीर से लेकर लद्दाख तक बर्फबारी ही बर्फबारी देखने को मिल रही है। इस बीच इन दोनों जगह एडवेंचर गेम्स ने भी अपनी जगह बनाई है। कहीं स्नो शू चैंपियनशिप हो रही है तो कहीं विंटर गेम्स की तमाम तैयारियां। लद्दाख में बर्फ से जमी हुई झील के किनारे हाफ मैराथन का भी आयोजन हुआ, जिसमें देश विदेश से कई रनर पहुंचे। जम्मू कश्मीर में इन दिनों लोग सिर्फ घूमने के लिए ही नहीं बल्कि बर्फीली चोटियों पर रोमांचक खेलों का मजा लेने भी पहुंच रहे हैं। वहां के मशहूर हिल स्टेशन सोनमर्ग में राष्ट्रीय स्नो शू चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शबाश, 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 शबाश।
ये खिलाड़ी घुटनों तक गिरी बर्फ में स्नो शू की मदद से बड़े आराम से दौड़ते नजर आए, जबकि वहां मौजूद लोग नारेबाजी कर उनका हौसला बढ़ाते दिखे। शाबाश गोल्ड, शाबाश। फिर विजेता खिलाड़ियों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इसी तरह आज से गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स का आगाज हो रहा है, जिसमें युवाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। बर्फ के मैदान पर होने वाले इन रोमांचक मुकाबलों के गवाह वहां पहुंचे सैलानी भी बनेंगे। वहीं एक दिन पहले लद्दाख में पेंगोंग झील के किनारे भी एक दौड़ प्रतियोगिता हुई, जिसमें 7 देशों के करीब 120 रनर ने हिस्सा लिया। इस मैराथन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई वाले इलाके में जमी हुई बर्फीली झील के किनारे हुई। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। मध्य प्रदेश में कलाकारों ने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। इस बार ये रिकॉर्ड कथक नृत्य से जुड़ा हुआ है। पहले संगीत नगरी ग्वालियर में तानसेन समारोह के दौरान एक साथ 1282 तबला वादकों ने विश्व रिकॉर्ड काबिज किया, तो इस बार ये खजुराहो में नृत्य की ये प्रतियोगिता देखने को मिली। इस खास मौके पर राज्य के सीएम ने जनजातीय और लोक कलाओं के प्रशिक्षण के लिए गुरुकुल खोलने का भी ऐलान किया। ये भव्य खूबसूरत तस्वीरें खजुराहो की हैं, जहां 1484 कलाकारों ने कथक नृत्य के जरिए दिल जीत लिया। इन्होंने न सिर्फ दिल जीता बल्कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम भी दर्ज करवा लिया। ये मौका रहा खजुराहो नृत्य समारोह का, जहां राग बसंत की लय पर ये कलाकार ऐसे थिरके कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए। राग बसंत हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से जुड़ा एक राग है, जो कि बसंत ऋतु में गाया जाता है। इस शानदार कार्यक्रम की राज्य के सीएम मोहन यादव समेत कई हस्तियां भी गवाह बनी। कलाकारों ने अपनी साधना के बलबूते पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड का रिकॉर्ड बना है। ये रिकॉर्ड हमारे को अपनी नृत्य की, शास्त्रीय नृत्य की, लोक नृत्य की एक लंबी परंपरा पर विश्वास के लिए एक तरह से प्रतीक बन के आया और हमारे लिए गौरव करने की बात है। 50 वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष चल रहा है खजुराहो महोत्सव का। खास बात ये रही कि इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिला कलाकारों और विदेशियों ने भी हिस्सा लिया। वहां दूर दूर तक नृत्य साधकों की ऐसी कतार बनाई गई कि खूबसूरत दृश्य उभर आया। इस बार ये खजुराहो नृत्य समारोह का 50वां आयोजन था। इस दौरान लय और ताल के साथ घुंघरू साधकों के कदम मिले तो भारतीय संस्कृति और परंपरा की मनोहर झलक देखने को मिली। ऐसे में ये 64 कलाओं की विभिन्न कलाओं के माध्यम से संसार हमसे परिचय पाए, संसार में हम उनका एक तरह से ज्ञान ज्योति फैलाएं। मेरी अपनी ओर से उस गुरुकुल की स्थापना करने की मैं घोषणा करता हूं। तो प्राचीन वाद्य यंत्र नगाड़े की ताल और नृतकों के घुंघरुओं की झंकार ने समारोह को यादगार बना दिया। यकीनन खजुराहो नृत्य समारोह अगली पीढ़ी के लिए भी एक बहुमूल्य सीढ़ी है, जो भारतवर्ष में हमारी सदियों पुरानी विरासत को सहेजते हुए एकता का संदेश दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
और मध्य प्रदेश से एक और शानदार तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। आपको लिए चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में, जहां भक्ति की बयार ऐसी बह रही है कि सात समंदर से आए लोग भी उसी रंग में पूरी तरीके से रंगे हुए नजर आ रहे हैं। कालिदास एकेडमी परिसर में विदेश से आए सहजयोगी कलाकारों ने भारतीय गायन वादन नृत्य की प्रस्तुति ऐसी दी कि इस दौरान देश के सहयोगी कलाकारों ने भी भारतीय वादन यंत्रों के साथ पूरी प्रस्तुति में उनका साथ दिया। और देशी विदेशी कलाकारों का ये जो संगम है, ये बहुत खास है, अद्भुत, अलौकिक, जिसने देखा वो मंत्रमुग्ध हो गया। देखिए, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के प्रशंसकों के लिए एक शानदार गुड न्यूज निकल कर आई है। इनके घर में फिर नन्हे मेहमान ने किलकारियां अब उनकी गूंज रही है। बताया गया है कि पिछले हफ्ते अनुष्का ने बेटे को जन्म दिया और इसी वजह से विराट कोहली ने टीम इंडिया से छुट्टी ले रखी थी। अब जैसे ही ये जानकारी सामने निकल कर आई है तो पूरे परिवार को बधाई देने का सिलसिला लगातार शुरू हो गया। विराट कोहली की पारिवारिक टीम में एक नए सदस्य की एंट्री हो गई है। दरअसल अनुष्का शर्मा ने एक बेटी को जन्म दिया है। इसकी जानकारी दोनों ने सोशल मीडिया के जरिए दी। बच्चे का नाम अकाय रखा गया है। विराट और अनुष्का की एक बेटी भी है। बेटी वामिका का जन्म 11 जनवरी साल 2021 को हुआ था। अब वामिका के जन्म के 3 साल बाद अकाय का जन्म हुआ। ऐसे में विराट और अनुष्का ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दूसरे बच्चे के जन्म की जानकारी अपने प्रशंसकों के साथ शेयर की। उन्होंने लिखा, भरपूर खुशी और प्यार से भरे दिल के साथ हम सभी को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 15 फरवरी को हमने अपने बच्चे अकाय और वामिका के छोटे भाई का इस दुनिया में वेलकम किया। हम अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत वक्त में आपकी दुआएं और शुभकामनाएं चाहते हैं। यानी अकाय का जन्म पिछले हफ्ते गुरुवार को हुआ था। अकाय शब्द का मतलब निराकार भी होता है, यानी जिसका कोई आकार नहीं। वही इस शब्द का तुर्की की भाषा में अर्थ चमकता हुआ चांद भी होता है। विराट और अनुष्का दोनों काफी आध्यात्मिक हैं। ऐसे में ये माना जा रहा है कि उन्होंने बेटे का नाम इसी से प्रेरित होकर रखा है। इस बीच जैसे ही ये खबर सामने आई तो फैंस और कई हस्तियों ने पूरे परिवार को बधाई दी। युवराज सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, विराट कोहली, अनुष्का शर्मा और पूरे परिवार को नन्हा मेहमान आने पर शुभकामनाएं। आपके बेशुमार प्यार और बच्चे के लिए बधाइयां। वहीं कॉमेडी किंग कपिल शर्मा ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, मुबारका पाजी, परमात्मा हमेशा खुशियां ते तंदुरुस्तियां बख्शे। इनके अलावा रवि शास्त्री, हरभजन सिंह, जूही चावला और राशिद खान समेत कई हस्तियों ने भी देश और विदेश से विराट और अनुष्का को शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देवी देवताओं और संस्कृत और संस्कृति से जुड़े नामों का रिवाज हाल के सालों में बढ़ा है। विराट ही नहीं, बॉलीवुड के जाने माने सेलेब्स के बच्चों के नाम के मतलब भी संस्कारों से जुड़े हैं। इस लिस्ट में रणवीर कपूर की और आलिया भट्ट की जो बेटी है राहा, उसे लेकर भी स्वरा भास्कर, फहाद अहमद की बेटी राबिया का नाम भी इसमें शामिल है, जिनके देवी देवताओं के नाम पर नाम रखे गए हैं। सबसे पहले बात अनुष्का और विराट की बेटी वामिका के नाम के अर्थ की बात करें तो वामिका देवी दुर्गा का दूसरा नाम है। इसी तरह विपाशा बसु और करण सिंह ग्रोवर ने अपनी बेटी का नाम देवी रखा है, जिसका अर्थ है दैवीय शक्ति। वहीं सोनम कपूर और आनंद आहूजा के बेटे का नाम वायु है, जिसका मतलब है हवा। इसके अलावा आलिया और रणवीर की बेटी की अगर बात करें तो इन्होंने अपनी बेटी का नाम राहा रखा है, जिसका मतलब है खुशी। अनूठे नाम रखने के मामले में स्वरा भास्कर भाई भी शामिल हैं। उन्होंने अपनी बेटी का नाम रखा है राबिया, जिसका मतलब होता है गहरा। कई जगह इस नाम का अर्थ बसंत भी माना जाता है। देखिए भैया, आपको बता दें कि आज बॉलीवुड एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह और जैकी भगनानी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। लंबे समय से चर्चा में बने हुए ये जो कपल हैं, आज गोवा में साथ फेरे लेंगे। बॉलीवुड का ये कपल हमेशा से अगर आपने देखा होगा तो एक ही साथ नजर आए और
फैंस जैकी को दूल्हा बनते और रकुल को दुल्हन के रूप में देखने के लिए बहुत बेताब हैं। बता दें कि शादी के प्री फेस्टिवल 19 फरवरी से शुरू हो चुके थे और इसमें लगातार सितारों की जो चहलकदमी है वो देखने को मिली। 21 फरवरी यानी आज शादी के बाद कल 22 फरवरी को मुंबई में ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी भी बाकायदा आयोजित की जाएगी, जिसमें बॉलीवुड टाउन से लेकर साउथ इंडस्ट्री तक की बड़ी बड़ी हस्तियां तमाम शामिल होंगी। रकुल और जैकी ने इस बात का खास ख्याल रखा है कि शादी को जो है पूरी तरीके से इको फ्रेंडली रखा जाए। कपल ने अपनी शादी में नो ट्रैकर पॉलिसी का विकल्प चुना है, यानी शादी में कोई आतिशबाजी या कोई पटाखा नहीं जलाया जाएगा। इसके अलावा दोनों परिवारों ने किसी को भी कोई इनविटेशन कार्ड नहीं दिया है, सभी मेहमानों को ई कार्ड भेजा गया है। जबकि ये शादी जो है दो तरीकों से होने वाली है। दरअसल रकुल और जैकी दोनों अलग अलग रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं। एक्ट्रेस ताल्लुक रखती हैं सिख धर्म से, जबकि जैकी जो हैं एक सिंधी परिवार से बिलोंग करते हैं। इसलिए दोनों ने यह तय किया है कि दोनों दो रीति रिवाजों के अनुसार शादी करेंगे और फिर हमेशा हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे।